हमारे ट्रैफिक पुलिस के भाइयों को ले लो, सैटरडे संडे इतना मुंह सूंघते हैं लोगों का कि मुंह सूंघ सूंघ के थोड़ा थोड़ा नशा इनको भी हो जाता है। फिर जब घर पहुंचते हैं तो बीवी पूछ रही थी, आज तुम्हें पीऊ ना ले। अब आदमी कैसे समझाए 500-600 मुंह सूंघे, भाई क्वार्टर का नशा तो हमें भी हो गया है। बहुत मेहनत का काम होता है। हम लोगों की जब छुट्टी होती है आपका काम और बढ़ जाता है। मियां बीवी चार चार बच्चे लेके जुहू बीच पे घूमने चले जाते हैं, एक आध बच्चा गुम हो गया, पुलिस वालों को काम पे लगा दिया, वो बेचारे घंटों लगा के बच्चा ढूंढ के देते हैं। तो मैडम बोलती थैंक यू सर, हाँ संभाल के रखा करिए, आपके बच्चे को ढूंढने में इतना टाइम चला गया, इतना घर पे दिया होता मेरा दूसरा हो जाता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकारों ने हमेशा पुलिस इंस्पेक्टर्स के रोल किए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बच्चन साहब पुलिस में होते और ट्रैफिक में ड्यूटी लगी होती कैसा माहौल होता। सोचिए कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है उसको पकड़ देते, गाड़ी साइड पर लगाइए और चलान निकालिए, लाइसेंस निकालिए। सर लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस वापस नहीं करे, सर मेरा लाइसेंस वापस कर दो। जाओ पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने बेवड़े को गाड़ी लेके दिया। अच्छा बच्चन साहब तो फिर भी ठीक है, मैं सोचता हूँ अगर नाना पाटेकर साहब अगर होते ऐसे किसी आदमी को रोकते, ए चल अच्छा है, चल हेलमेट क्यों नहीं पहना, सर हेलमेट नहीं है, चल 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 लाइसेंस निकाल अपना, सर लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, अच्छा है सर सब अच्छा है तो पकड़ा क्यों है। ये तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, गाड़ी गाड़ी साइड पर लगा, सर सर गाड़ी तो है ही नहीं, गाड़ी भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, फिर भी सड़क पर पैदल चलता है तेरा चला।